बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप एक नाम सवेद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टैटिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भावलपुर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी 2017 का जो पास्ट पेपर है वहाँ से लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। एफ से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 9, 16, 20, 25, 18, 12। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स का स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल का स्क्वायर जजर। सबसे पहले हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं। देखिए, फार्मूले में एक्स गिवन है, जबकि जो हमारे पास क्वेश्चन है वहाँ पे एक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम एक्स को फाइंड करेंगे, जिसे हम मिड पॉइंट यानी दरमियानी वैल्यू भी कहते हैं। एक्स एक्स कैसे मालूम करते हैं? जो हमारे पास ग्रुप है उसकी दो वैल्यूज़ को जमा करेंगे और दो पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ का आपस में ताल्लुक पाया जाता है। एक्स इज इक्वल टू 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 आ जाता है। एक्स की पहली वैल्यू है हमारे पास 5। 10 और 20 को जमा करेंगे 30, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्स की दूसरी वैल्यू 15। इसी तरह हम एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करते चले जाएंगे। 20 + 30 50 हो जाता है, 2 पे डिवाइड करेंगे 25, 35, 45, 50 और 60 को जमा करेंगे 110, 2 पे डिवाइड करेंगे 55। ये हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। एक्स का स्क्वेयर, अब हम एक्स का स्क्वेयर लेंगे। एक्स का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर लेंगे 25, 15 का स्क्वेयर लेंगे 225, 25 का स्क्वेयर लेंगे 625, 35 का स्क्वेयर लेंगे 12, 625, 45 का स्क्वेयर लेंगे 45 का स्क्वेयर लेंगे 20 25, 45 का स्क्वेयर लेंगे 30 25। अब देखिए, एक्स का स्क्वायर एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर को एफ से ज़र्ब देंगे। एक्स के स्क्वायर को एफ से ज़र्ब देंगे। एफ एक्स का स्क्वायर 25 को 9 से ज़र्ब देंगे 225, 225 को 16 से ज़र्ब देंगे 3600, 625 को 20 से ज़र्ब देंगे 12500, 1225 को 25 से ज़र्ब देंगे 30, 625, 2025 को 18 से ज़र्ब देंगे 36, 450 आता है, 3025 को 12 से ज़र्ब देंगे 36, 300 आता है। अब हम दोबारा फार्मूले को देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, देखिए इसे हम समीशन भी कहते हैं, इसे हम सिग्मा भी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि एफ एक्स स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को हम जमा कर लेंगे यानी सम अप कर लेंगे। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे 1,19,700 आ जाता है। नीचे देखते हैं समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को हम जमा कर लेंगे
समीशन एफ, एफ की तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 100। अब हम दोबारा आगे देखते हैं फार्मूले को। समीशन एफ एक्स यानी एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ज़र्ब देंगे, एफ एक्स, ये एफ और एक्स की वैल्यूज़ को ज़र्ब देंगे। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 25 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 875, 18 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 810, 12 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 660। अच्छा, ये हो गया जी। अब लाइन लगाएंगे ऐसे, समीशन एफ एक्स यानी एफ एक्स की वैल्यूज़ को जमा करेंगे, समीशन एफ एक्स यानी इन तमाम जो एफ एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लेंगे, वो आती हैं हमारे पास समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 3130। जितनी भी हमने वैल्यूज़ को फाइंड की है उन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पे कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स का स्क्वायर, उसकी वैल्यूज़ हमने क्या फाइंड की थी, 119,700। पुट कर देंगे 119,700 बटे समीशन एफ, यानी जो 100 है समीशन एफ की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 100 माइनस समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स की क्या वैल्यूज हमने फाइंड की थी, 3130। यहाँ पे पुट कर देंगे 3130 ओवर समीशन एफ हमारे पास क्या था, 100 होल का स्क्वायर, ये जजर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 119,700 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 1,197 यानी 1197 आता है। माइनस 3130 को 100 पे डिवाइड करेंगे 31.3 आता है का स्क्वायर, ये जजर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1197 माइनस 31.3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है 979 आएगा मेरे ख्याल में। का जजर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1197 में से 979.69 को लेस करेंगे जजर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 217.71 का जजर लेंगे तो हमारे पास आता है 14 जजर ले लेते हैं इसका जजर 217.31 14.74 ये हमारा आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा और मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते ज़रूर हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।